Yeah, I'm from Russia. I live in Moscow. क्षेत्रफल के अनुसार से भारत के सबसे छोटे शहर और जनसंख्या के हिसाब से चौथे सबसे छोटे शहर में से एक आता है गोवा। कहते हैं कि ज़िंदगी का असली मज़ा लेना है तो आपको गोवा पहुंचना चाहिए। गोवा का पूरा सीरीज पूरी जानकारी के साथ आइए दिखाते हैं इस स्पेशल वीडियोज को। अभी मैं मौजूद हूँ गोवा में। कहते हैं कि असली मज़ा लेना है तो आपको गोवा पहुंचना चाहिए और आज के इस वीडियोज में हम आपको बताएंगे कि गोवा कैसे आएंगे, किस तरीके से आप घूम सकते हैं जितने भी बीचेज हैं और इसके साथ साथ में किस तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें हैं, कितने खर्च होंगे, कहाँ पे आप रुकेंगे। जो बेस्ट प्लेस आपका होगा, देख सकते हैं ये मेन एंट्रेंस गेट है जहाँ से अपनी शुरुआत हो रही है। अगर आप देखें इधर तो ये लोगों की जनसंख्या है जहाँ पे आपको अलग अलग दुकानें मिल जाएंगे और जो भी कपड़े वगैरह सब कुछ लेना है वो सभी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल आपको मिल जाएगा। पूरा आइटनरी गोवा का हम देने वाले हैं इस वीडियोज में। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। बहुत सारी चीज़ें, बहुत मस्ती होने वाला है। सामने के लोकेशन में देखिए गोवा का, अभी बीच में हम पहुंच चुके हैं जो कि यहां से अपनी शुरुआत करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे आप आएंगे और क्या है वाटर एक्टिविटी के साथ साथ में डीजे नाइट और ये सारी चीज़ों का लुत्फ़ आप कैसे उठा सकते हैं। तो ये देखिए गोवा जैसे आप पहुंचिएगा ना कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा ये पूरा माहौल जो कि बीच के बगल में बना हुआ है। और जब रात्रि होगी तब जब यहाँ पर लाइटिंग जलेगा, जब यहाँ पर आप नाइट जो है डिनर कर सकते हैं ये सारी चीज़ें, तब जाके ये जो है ना विहंगम दृश्य आपको देखने के लिए मिलेगा। ये देखो अब हवा और जो लहरें हैं वो कितना तेज़ है सो समझ सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही तेज़ है और बहुत तेज़ लहर में आप जब नहाइएगा तो वाकई में बड़ा ही मस्त लगेगा, कूल कूल सा। इधर बैठने की सुविधा है जो कि नहा के आप यहाँ पर बैठ सकते हैं, उसका अलग से आपको पैसा देना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, जहाँ पर आपको हुक्का वगैरह सब कुछ उपलब्ध मिल जाएगा। बिजोड़ आप यहाँ पर सो भी सकते हैं और सो के फिर आप इसका पूरी तरीके से लुक तो उठा सकते हैं। इस साइड से अगर उस साइड जाएं तो उधर भी आपको पूरी तरीके से बीच ही बीच मिलता है। अभी उधर भी जाके हम आपको दिखाते हैं। पूरा का पूरा इलाका रात्रि को में बेसिकली बनाया गया है। रात को यहाँ पे लाइटिंग जलता है और आप यहाँ पे डिनर कर सकते हैं। डीजे बीच बीच में ना इनका कार भी होता है जो कि कोई भी अगर बॉर्डर को क्रॉस करे तो उनको सूचित किया जाता है। तो पुलिस प्रशासन की टीम भी हर एक बीच में मौजूद रहती है। ये देखो आप इसमें आप आराम से बैठ के कंफर्ट होके और जो आपको मन करता है वो खा सकते हैं, सामने के रेस्टोरेंट से मंगा के और फिर यहाँ पे बैठ सकते हैं। अब कभी भी आप आएंगे ना गोवा बीच तो कुछ इस तरीके से मिलेगा सोने के लिए, जो कि अलग अलग लगा हुआ रहता है। यहाँ पे आप आराम कर सकते हैं, ऊपर में जो है टेंट टाइप से रहेगा जिसमें से आप बिल्कुल कम्फर्ट होके आराम कीजिए और जब मन करे तो यहाँ पे आप स्नान भी कीजिए। तो कुछ इस तरीके से मिलता है, बहुत ही अच्छा है। और अभी हम भी एंजॉय कर रहे हैं, अभी जाके नहाते हैं और फिर आपसे बात करते हैं। आपको दुकानें दिख रहे हैं ना, ये अभी तक रहता है, यानी कि अप्रैल मई के बाद ये पूरी तरीके से खुल जाता है जब बरसात के दिन होती है, क्योंकि पानी का जो लेयर है वो ऊपर तक पहुंच जाता है जिसकी वजह से ये जितने भी दुकानें हैं वो ख़त्म हो जाता है। यानी कि ये अपना खोल के ले जाते हैं और फिर नवंबर दिसंबर में चालू करते हैं। पुलिस प्रशासन की जीप की गाड़ियाँ हमेशा रनिंग करती है ताकि कोई दिक्कत ना हो किसी भी तरीके का। चूँकि दोस्तों अंजुना बीच हम पहुंच चुके हैं, अंजुना बीच का कुछ खूबसूरत नज़ारा आपको दिखाते हैं। ये देखिए पीछे मेरे, वाओ क्या खूबसूरत है यार। यहाँ पे भी पूरी तरीके से बैठने की सुविधा दी गई है, हुक्का वगैरह आपको लेना हो या फिर आपको कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेना हो या ड्रिंकिंग करना हो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। अलग अलग फैसिलिटीज़ के द्वारा बनाया गया है, बहुत ही खूबसूरत। और ये भीड़ देखो, सबसे ज़्यादा भीड़ यहीं पे रहता है, ये वाले में बहुत ज़्यादा भीड़ रहते हैं क्योंकि काफ़ी लोग आते हैं। अभी आएंगे तो यहाँ पे कहते हैं कि सेलंगुट बीच आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है कौन सी वाटर एक्टिविटी करनी है और कितना उसका प्राइस है वो आपको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब कभी भी आप आते हैं और आपका भी मन करता है कि आप स्पोर्ट जो है राइड करें, यानी कि जो वाटर राइड होता है वो करें, तो उसके लिए क्या प्राइस पड़ता है और किस तरीके से, वो सामने के लोकेशन में आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको बूथ मिल जाएगा जो कि देख सकते हैं कि अलग अलग रेट है और उस रेट में आपको जो भी करना है वो आप कर सकते हैं। डॉल्फिन राइड करना है तो 500 पड़ेगा, बम्पर राइड में 500 पड़ेगा, तो इस तरीके से स्पीड बोट राइड करना है तो 1000 पड़ेगा जो कि 5% होता है और डॉल्फिन वाले में पर राइड जो है 500 पड़ेगा। तो ये कुछ है जो कि आपको यहाँ पे मिल जाएगा बीच के किनारे ही बूथ, जहाँ से आप कटवा के और फिर जो है राइड अपना कर सकते हैं। ये सामने के लोकेशन में रखा हुआ है देख सकते हैं।
और इधर जो है लोग बैठे हुए रहते हैं और इधर ही आपको मिलेगा। Yesterday. Today is my second day. I love this country. I love Goa so much. It's my maybe fifth, maybe sixth time in Goa. Oh, nice. Yes, yes, I like really. I like Indian people because they are very so very calm. I like them. Maybe, do you have any question for me? Yes. Yeah. After 2 days, I'm going to Mumbai. Mumbai. Yes. Yeah, yeah. I have never been in Mumbai, and I want to see real Indian people. In real Indian city. Okay, thank you, thank you. Thank you so much. Nice to meet you. Thank you so much. Thank you. हम बीच पे ही घूम रहे हैं और यहाँ से पूरा बीच अगर आप देखें तो अलग अलग लोग पहुँचते हैं और यहाँ का खर्चा की बात करते हैं आपको तो ज़्यादा कोई खर्च आपको होने वाला नहीं है। कपड़ा आपको यहीं पे मिल जाएगा। इस तरीके के शर्ट लेते हैं तो 250 रुपीज पड़ेगा, जिसमें से अलग अलग कैटेगरीज है, मतलब 500 के अंदर में आपके कपड़े का चार्ज लग जाएंगे। और बाकी जो है अगर आप ड्रिंक वगैरह करते हैं तो उसका अलग से आपको लग जाएगा, जिस हिसाब से आप कीजिएगा। जैसे अगर आपको 1000 रुपये मान लीजिए, 1500 रुपये बाकी आने में जो खर्च लगेंगे, वहाँ से अगर आप आते हैं जैसे ट्रेन से आते हैं, फ्लाइट से आते हैं या जिस तरीके से आते हैं उस तरीके से आपका खर्च लग जाएगा। बाकी कोई खर्च नहीं है, आराम से इंजॉय कीजिए। रूम की बात करें तो अभी कोई सीजन नहीं है तो आपको रूम जो है 1000 रुपये के अंदर में मिल जाएगा। जब सीजन होते हैं यानी कि दिसंबर से जनवरी तक, उसके बीच में बहुत ज़्यादा महंगा होता है, बट अभी सीजन नहीं है तो उतना महंगा आपको नहीं मिलेगा, कम में भी मिल सकता है। और ये कुछ इस तरीके से स्थिति और आलम देखिए। अभी रात का जो साइन आपको दिखाएंगे ना, वो बहुत ही खूबसूरत होता है। पूरी तरीके से यहाँ तक, यहाँ से वहाँ तक डांस और डीजे लगा हुआ रहता है और आगे बहुत क्राउड है बाघा बीच में, वहाँ पर भी ले चलेंगे। भीड़ ना आपको यहीं पे मिलेगा करोटिया बीच में, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। ये सामने के लोकेशन से आने का है एंट्रेंस से, जहाँ पर आप आ सकते हो। और आने के बाद देखिए कितना ज़्यादा भीड़ होती है। सबसे ज़्यादा लोग आपको यहीं पे मिलेंगे, बहुत सारे लोग जो कि पूरी तरीके से आके और इंजॉय करते हैं। और अलग अलग लोग जो हैं इस देख सकते समुद्र में डुबकी लगाते हैं। तो सबसे ज़्यादा भीड़ आपको जैसे जैसे शाम हो रहा है वैसे वैसे लोगों की जनसंख्या जो है वो बढ़ते ही जा रहा है। बीच के नज़दीक में हम मौजूद हैं और लोगों की जनसंख्या देखिए कितना ज़्यादा है। और जैसे जैसे लोगों की जनसंख्या बढ़ती ना शाम होती, वैसे वैसे लोगों की जनसंख्या बढ़ती है और वैसे वैसे यहाँ प्रिपरेशन भी जो है वो तेज़ हो जाती है, जहाँ पे आप नाइट डांस कर सकते हैं पूरी तरीके से। और ये पूरा क्लब है यहाँ से वहाँ तक, बहुत इंजॉय लगेगा, बहुत ब्यूटीफुल प्लेस होता है जब कभी भी रात होता है तो। लेकिन फिलहाल आप देखो लुत्फ़ उठाइएगा, जहाँ पे आप वाटर एक्टिविटी के साथ सब कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे 5-6 बीच जो है कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो उन्हीं बीचों को हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। अभी चलते हैं आगे और आगे भी आपको दिखा रहे हैं। कर सकते हो और साथ साथ में अगर आपको सोना है तो इन सभी जगह पे जो बने हुए हैं इसमें आप आराम से कंफर्ट होके सो भी सकते हैं। तो इसका आपको चार्जेबल देना पड़ेगा। जो बियर का यहाँ प्राइस की बात करें तो बाहर जो छोटा सा 350 ml वाला आपको मिलेगा वो 60 रुपये में मिलेगा दुकान में। अगर आप यहाँ पे लेते हैं तो वो 100 रुपये लिया जाएगा, तो 40 से 50 रुपये एक्स्ट्रा लिया जाता है जब कभी भी आप पियेंगे। और कुछ इस तरीके से बने हुए हैं अलग अलग जो है। बाघा बीच जो कि वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बीच में से एक आता है बाघा बीच,
जो कि कुछ इस तरीके से मिलेगा बागा बीच जब कभी भी आप आएंगे। और ये जितने भी लाइटिंग शो वगैरह जो होता है रात को, डांस वगैरह, डीजे वगैरह, नाइट वगैरह, वो सब आपको बागा बीच में ही मिलेगा। यहाँ पे भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा होती है, ये भी जैसे जैसे शाम हो रही है वैसे भीड़ की जनसंख्या जो है वो बढ़ते जा रही है, और ये आपको बागा बीच में ही मिलेगा। इतना ज़्यादा जो भीड़ आपको दिख रहा है ना, ये बागा यहाँ पे सनसेट जो है ना वो आपको देखने के लिए लोग अधिकतर बागा बीच और प्रवेश करते हैं और नहाते भी हैं। देखिए अभी शाम के टाइम में है, लेकिन लोगों की जो जनसंख्या है वो बहुत ही ज़्यादा, अभी भी बहुत ही ज़्यादा। अभी हम रात को आपको दिखाते हैं, जैसे जैसे शाम हो रही है वैसे वैसे दिखाते हैं कि रात को यहाँ पे क्या होता है और रात को कितना तब्दील हो जाता है, क्योंकि दिन में आपने देखा, अब रात का हम आपको दृश्य दिखाते हैं। गोवा का नाइट लाइफ, गोवा का रेड लाइट, गोवा का सब कुछ, जहाँ पे रात्रि को लोग डांस करते हैं और इंजॉय करते हैं और बियर पीते हैं, साथ साथ में बहुत सारा मस्ती करते हैं, जगह जगह पे लाइटिंग, जगह जगह पे लोगों की जनसंख्या, ये सारी चीज जब आप देखेंगे, ये जो मेरे पीछे आप जितने भी रेस्टोरेंट और ये सब कुछ देख रहे हैं, ये पूरी तरीके से बदल जाता है रात को और ये पूरा तब्दील हो जाता है एक अलग ही दुधिया रोशनी में। तो उसको हम आपको दिखाते हैं। फिलहाल ये देख सकते हैं आप बीच है, जो को जब कभी भी आप आते हैं तो यहीं पे आप स्नान करेंगे और सामने के लोकेशन से आएंगे। तो अभी रात का दृश्य हम आपको दिखाते हैं गोवा का नाइट लाइफ और सभी जानकारियों के साथ में इस वीडियो में। ऐसे भी मिलेगा जहाँ पे आप बैठ के आराम से डिनर कर सकते हैं, बिल्कुल कैंडल नाइट डिनर, जो कि बीच के किनारे, ऐसा माहौल, ऐसा जगह आपको और कहीं नहीं मिलेगा इंडिया में, यहाँ मिलेगा। ऐसा महसूस होगा जैसे पूरी तरीके से मेला लगा हुआ है। देखिए यहाँ से लेकर 2 किलोमीटर तक पूरी सजावट डेकोरेशन मिल जाएगा। ये अंधेरा वाला कैंडल नाइट है, जो कि डिनर कैंडल नाइट आप कर सकते हैं यहाँ पे विदाउट कोई बॉक्स वगैरह। देखिए गाना तो बज ही रहा है दूर दूर में, लेकिन फिलहाल ये लोकेशन देखिए कितना ब्यूटीफुल है। अगर आप गर्लफ्रेंड के साथ आ रहे हैं, फैमिली के साथ आ रहे हैं, तो यहाँ पे टाइमिंग स्पेंड कर सकते हैं। ये सामने का लोकेशन, यहाँ से तो अंत अंत तक आपको नाइट टूर करेंगे ना, मज़ा आ जाएगा यार। ये बीच है और बीच के सामने देखिए, सेपरेट सेपरेट आपके लिए बना हुआ है, जहाँ पे वहाँ पे भी बैठ के आप इंजॉय कर सकते हैं पूरी तरीके से। मिलेंगे अलग अलग, जहाँ पे आप फोटोज वगैरह ले सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है, जहाँ पे आप डिनर कर सकते हैं, खास करके बीच के किनारे। और ये हम आपको दिखा रहे हैं बागा बीच का, जो कि बागा बीच में ही ऐसे खूबसूरत आपको चीजें मिलेंगी, जैसे कि ये देखिए फैमिली के साथ कितना खूबसूरत ये लोकेशन है। तो आराम से यहाँ पे बैठ के आप डिनर कीजिए, मस्ती कीजिए, नाचना है, डांस करना, जो भी चीजें करनी है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे उपलब्ध मिलेगी। इससे अच्छा जगह और आपको कहीं पे नहीं हो सकता। तो ये सारी चीजों के लिए आपको बागा बॉर्डर आना पड़ेगा और बागा बॉर्डर में ही आपको ये सारी चीजें का व्यवस्था मिलता है, जहाँ पे आप आराम से बैठ के इतने खूबसूरत स्थान में और फिर आप आनंद ले सकते हैं। और आगे आएंगे तो यहाँ पे और आपको मिलेगा, मतलब पूरा 1 किलोमीटर तक आपको अलग अलग डिजाइनिंग का मिलेगा, जहाँ पे भी आपका मन करता है वहाँ पे आप खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, एक से एक मिलेगा, मतलब ऐसे ऐसे सजावट, ऐसे डेकोरेशन आपको और कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा जैसे गोवा में। और ये रात का हम आपको सीन दिखा रहे हैं, देखिए कितना ज़्यादा भीड़ रहता है, हर एक में कोई ना कोई जो है अपने अपने तरीके से फुल हैं। और अगर आप
जहाँ पे खाली है वहाँ पे भी बैठ सकते हो, नहीं तो फिर आप बुक करवा सकते हो। तो कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा, बहुत ही खूबसूरत जगह है। और ख़ास करके जब आप रात्रि को आएंगे तब भी आपको ये चीज़ें देखने के लिए मिलेगा। तो रात नाइट मार्केट तो आप ज़रूर कीजिएगा, नाइट में आप ज़रूर घूमिएगा, तभी जाके आप ये इतने खूबसूरत चीज़ों को कैप्चर कर सकते हैं और देख सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। कैंडल नाइट डिनर हो या फिर और डेट पे आना हो आपको, तो ऐसे जगह पे आपको यहीं पे आना चाहिए। रात को अगर आप आते हैं ना तो बिल्कुल मूड बन जाएगा आपका ऐसे लोकेशन में, चूँकि बहुत खूबसूरत है एकदम। बागा बॉर्डर, बागा जो बीच है वहाँ से स्टार्ट कीजिएगा ना, तो आगे जो अंत बीच है इसका वहाँ तक जाइएगा, 2-3 किलोमीटर से ऊपर पड़ेगा। और पूरा लाइटिंग और हर जगह आपको जो है ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पे आप ड्रिंक कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं और मस्ती कर सकते हैं, बैठ सकते हैं एकदम बिल्कुल बीच के किनारे। ये बीच है सामने और इसी के किनारे आपको मिलेगा। तो बहुत लंबा है, अभी आगे चलते हैं और अभी हम और आपको दिखाते हैं कितना खूबसूरत बनाया गया बागा बीच। जब आप आएंगे उसके आगे आएंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा, बहुत ही खूबसूरत है यार। इसमें बैठने के लिए आपको जो भी है इसमें लेना पड़ेगा, ड्रिंक वगैरह तभी आप बैठ सकते हैं, खाना पीना खाना पड़ेगा, लेकिन खूबसूरत बहुत सुंदर बनाया गया है। और ऐसे आपको बहुत सारे मिलेंगे। ये देखिए रात्रि का बीच का, अगर आप लहरें देखिए तो ये काफ़ी तेज़ है, चूँकि रात हो चुका है तो रात को काफ़ी तेज़ है लहर। लेकिन इधर आप देखिए जहाँ बैठ सकते हैं, ये पीसफुल क्षेत्र है, यहाँ कोई बॉक्स वगैरह नहीं बज रहा है तो यहाँ पे आप बैठ सकते हैं। अगर आपको सॉन्ग वगैरह पसंद नहीं हो, गाना वगैरह पसंद नहीं हो तो इस लोकेशन में बैठिए। लोकेशन अगर आपको गाना वाला चाहिए तो आगे भी है, तो अलग अलग जो है दुकानें जिस तरीके से बनाता है वैसे अलग अलग बार कैफ़े रेस्टोरेंट बना हुआ है, और सभी में किसी में सॉन्ग बज रहा किसी में कुछ बज रहा, लेकिन सजावट जो है वो बहुत ही अच्छा, अलग अलग केबिन का, हर एक केबिन का देखिए जिसमें आप बैठेंगे उसका हर एक का सजावट जो है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से अलग अलग डिजाइनिंग में किया गया, ताकि आपको मन लगा रहे और आराम से बैठिए इंजॉय कीजिए फैमिली के साथ या जिसके साथ भी आप आ रहे हैं, बहुत सुंदर लगेगा। कि जब कभी भी आप गोवा आते हैं तो इस तरीके से आप घूम सकते हैं, डे वन में और डे टू में टूर कर सकते हैं। अगर डे वन में बात करें तो आपको जो है गोवा का जब आप आएंगे कोलंगर बीच और बागा बीच, इन दोनों के बीच में आप रूम लें ताकि आपको सस्ता पड़ेगा, 1000 रुपये में रूम मिल जाएंगे। बाकी खाने पीने का जो अलग अलग रेस्टोरेंट बने हुए जहाँ पे आप अगर गर्लफ्रेंड या किसी के साथ भी आ रहे हैं डेट वगैरह करने के लिए, तो बहुत अच्छा अच्छा लोकेशन होता है जहाँ पे अलग अलग लोकेशन में जो भी जहाँ पे आपको पसंद आएगा उस जगह पे आप बैठिए, खाना कीजिए, खाइए, डिनर कीजिए, कैंडल नाइट डिनर करना हो या फिर और जो भी करना हो हनीमून के लिए, उसका अलग अलग लोकेशन बना हुआ है और ये सब आपको बीच के किनारे मिलेगा। और डांस भी होती है, तो ये सारा चीज़ 11 बजे रात तक आप बिल्कुल कर सकते हैं। 6 बजे से स्टार्टिंग हो जाता है, 6 बजे से 11 बजे के बीच में ये पूरा एंजॉय होता है। इसके साथ साथ में अगर हम रेट की बात करें तो थोड़ा सा डिफरेंट है, जो काउंटर में आपको रेट मिलेगा यानी कि बियर का उससे यहाँ पे डबल मिलेगा, यानी कि काउंटर में 60 रुपीज़ का मिल रहा है तो यहाँ पे 100 रुपीज़ का मिलेगा, अगर वहाँ 100 का है तो यहाँ 200 रुपये का मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा उसका जो है रेंज अलग अलग है। बाकी यही है कोलंगर बीच, जिसको कहते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बीच माना जाता है। साथ साथ में इसके साथ साथ आगे जाएंगे तो बागा बीच मिलेगा, ये दो बीचेज हैं जहाँ पे आप घूम सकते हैं। कुल खर्चे की बात करें तो 2000 रुपये होटल की, 1000 रुपये खाना पीने का, 2000 का और बाकी 1000 रुपये आना जाना, 5000 रुपये में आप गोवा आराम से घूम सकते हैं। अगर वाटर एक्टिविटी करनी है तो उसके लिए अलग से यहाँ पे लोग लगे हुए रहते हैं जो कि वाटर एक्टिविटी कर सकते हैं, उसका आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा। सनसेट और सनराइज जो है बागा बीच पे देखा जाता है, जहाँ पे आप कर सकते हैं उसको भी आप देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये पूरी जानकारी थी और ये पूरा टूर था गोवा।
गोवा का। जब कभी भी आप प्लान बनाते हैं तो मतगांव आपको रेलवे स्टेशन आना है, वहाँ से फिर बसें मिल जाएंगी, बस के द्वारा फिर आप यहाँ पे पहुँचा दिया जाएगा, 40 किलोमीटर के रेंज पे पड़ता है। और फिर बस के द्वारा यहाँ आने के बाद यहाँ होटल वगैरह लीजिए, घूमिए फिरिए और मस्ती कीजिए। जैसे अभी हमारे पीछे आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में लोग इन्जॉय कर रहे हैं। तो ये पूरा टूर था, थैंक यू सो मच। वाकई में गोवा जो है मस्ती मजाक और पीसफुल एरिया, यानी कि पूरी तरीके से थक चुके हैं जिंदगी में, तब आइए और यहाँ पे ड्रिंक कीजिए, मस्ती कीजिए, डांस कीजिए, आराम से सोए रहिए, बीच में नहाइए। तो ये बहुत अच्छा लोकेशन है, अलग अलग बैठने की सुविधा रहती है, यहाँ पे बैठ के आराम से नहाइए बैठिए, आराम से नहाइए बैठिए, तो ये बहुत अच्छा लगता है यार, मज़ा आ जाता है यहाँ पे गोवा। गोवा नेक्स्ट टाइम हम फिर से दोबारा आएंगे, उस टाइम और भी इन्जॉय करेंगे। फिलहाल इस वीडियोज़ को यहीं पर अंत करते हैं और आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।